नारायण 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 नारायण। अथ षोडशोध्याय, सोलहवां अध्याय, भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत, आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं, समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। तो आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्म वेता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभो, आप समस्त प्राणियों के अंदर आत्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभो, पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभो, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। नमामि ते तीर्थ पदांग्रि पद्मम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। तो यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रियाशक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्तत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्रों में तीन मात्राओं अ उ मैं वाला ओमकार हूँ। मैं अक्षरों में अकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ, समस्त देवताओं में इंद्र, आठ वसुओं में अग्नि, द्वादश आदित्यों में विष्णु और एकादश रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम,
और सर्पों में वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव जी, मैं नाग राजों में शेष नाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, भगवती भागीरथी गंगा मैया की जय। जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जव हूँ। पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदवेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा हूँ। आठ प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र बल, नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्याति वादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभुव मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा एषणात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्ग शीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। मैं युगों में सत्य युग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान की। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, वह सुदर्शन मैं हूँ। रत्नों में पद्मराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और भविष्य में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन नौ मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध विकारी गंध में ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्यागने की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेन्द्रिय में आनंदोपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश,
जल तेज अहंकार महतत्व पंच महाभूत जीव अव्यक्त प्रकृति सत्व रज तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे, और ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत कृत्य हो जाता है। सच्चिदानंद कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण।